चार लोकसभा पे भारी पड़ गया। अगर आप एक को जगह दिए रहते तो आपका पांच बरकरार रहता, लेकिन कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, पावर तो बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। आईपीएस आनंद मिश्रा जी में भी गए, हम पवन सिंह जी में गए, हम हर जगह जाते। अगर कोई भी एक लोग हमें कह दे कि प्रियंका जी हमारा एक रुपया लेना, तो बबीता मिश्रा का हम जाके गुलामी खटने के लिए तैयार है। क्यों आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा बबीता जी, क्या हो गया आपको? दोनों अच्छे से रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा? एक पति के लिए रात दिन घूम करके वो वोट मांग रही है, इसमें आपको कहीं प्रेम नहीं दिख रहा है? किसी ने बोला कि आप पे ना थोड़ा वो कीचड़ भी उछालेगी, तो हमको बहुत हंसी आया। उसी लेवल की है तो क्या करिएगा। प्रियंका जी हैं, कैसी हैं प्रियंका जी? बिल्कुल ठीक हूँ। काफी गर्मी में हम देखे कि प्रचार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज पवन सिंह हार गए हैं, तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है? हारे कहाँ है, ये हार नहीं है, ये तो जीत है। हारे तो वहाँ की जनता है, ये तो पवन सिंह की जीत हुई है। आज 25 दिन मैक्सिमम 25 दिन के अंदर 260,000 वोट लाना कम भारी बात है। तो आप जान सकते हैं कि काड़ा काट के जनता ने, जिसे वहां के विपक्षियों के द्वारा लफुआ कहा गया था, वही लफुआ ने ये पावर दिखाया कि हम लफुआ नहीं, हम युवा अगर चाहेंगे तो नया इतिहास बदल लेंगे और हम ही युवा काराकाट का भविष्य बदलेंगे। तो युवा ने पूरा प्यार लुटाया अपने पावर स्टार पवन सिंह पे। और ये हार कहाँ हुई, ये तो उन जनता की हार हुई है जिन्होंने अपनी चीजों को समझ नहीं सके और विकासहीन होने के लिए मजबूर हो गए। अब 5 साल अब ऐसे ही रहेंगे, इसीलिए अब समझने की जरूरत है वहां के जनता को। पवन सिंह तो जीते हुए हैं, बिल्कुल। अच्छा बबीता मिश्रा, पहले आप देखी होंगी कि वो बता रहे थे कि पवन सिंह वोट कटवा है, आज उनका बात सुनिए। वोट कटवा, सुनिए पहले मैं आपको बता दूं कि वोट कटवा पवन सिंह नहीं, वोट कटवा तो उपेंद्र कुशवाहा जी हुए हैं। थर्ड पोजीशन पे वो है, मंत्री रहे हुए हैं और थर्ड पे आ गए, सेकंड पे पवन सिंह है। तो वोट कटवा कौन हुआ, कैंची कौन काट रहा है? कैंची तो पवन सिंह ऐसी चलाई है गैस सिलेंडर पे कि उसकी हवा ही निकल गई है। तो वोट कटवा तो उपेंद्र कुशवाहा जी हुए ना, पवन सिंह जी को तो लोग वोट किए हैं, उनको तो लोग प्यार लुटा है। तो बस पवन सिंह जी वोट कटवा नहीं, वोट कटवा तो उपेंद्र कुशवाहा जी हुए हैं। और हम पहले भी हम हमेशा कहते थे कि गैस सिलेंडर की ऑक्सीजन जो है, गैस जो है, गैस सिलेंडर की गैस खत्म हो गई है, निकल गई है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक थे, दूर दूर तक वो कहीं नहीं है। कहते हैं कि जब चलियन पवन तो रोकियन कवन, तो पमर ऐसी चली कि शहनाबाद छत्र के तमाम चार क्या बोलते दीदी, शहनाबाद जिला के तमाम चार ऐसे लोकसभा है जिसको हवा में उड़ा लिए पवन सिंह ने। एक बेटा चार लोकसभा पे भारी पड़ गया। अगर आप एक को जगह दिए रहते तो आपका पांच बरकरार रहता, लेकिन कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, पावर तो बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। गीता मिश्रा बता रहे थे कि ज्योति सिंह को छोड़ देंगे, वो नहीं रखेंगे। देखिए उस पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे, इलेक्शन के बाद बता रहे हैं। नहीं नहीं देखिए अब क्या है, नहीं है साथ में रही, सुनिए सुनिए मैं भैया आपको कंफर्म करती हूँ कि ज्योति सिंह बच्ची नहीं है, ना उनके पिताजी बच्चे हैं, वो समझदार परिवार लोग हैं। अगर इतना प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद भी वो पूरे परिवार पवन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में धूप में घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही घूम रहे होंगे ना, ना समझ तो है नहीं। तो ये तो डिसीजन ज्योति सिंह को लेना चाहिए या उनके पिताजी को लेना चाहिए कि मुझे पवन सिंह हमको यूज कर रहे हैं या मुझे उनके लिए वोट मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, ये तो ज्योति सिंह को जानना चाहिए, उनके परिवार को समझना चाहिए। तो फिर बबीता मिश्रा क्यों कह रहे हैं कि हम जितना जानते हैं अंदरूनी हमारी बहन है? बहन कैसे है, ये मिश्रा है और ज्योति सिंह है, तो बहन कैसे हो? पवन सिंह ज्योति सिंह को मिलवाई है ना, इसलिए मिलवाई तो महिला विकास मंच भी है। देखिए कोशिश आप नहीं की है, कोशिश हम नहीं किए। जब ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला आया था तो यही प्रियंका जी ज्योति सिंह के साथ करी थी ना, लेकिन सबका मोटिव क्या था कि दोनों एक हो जाए, कैसे भी दोनों एक हो जाए, तो एक हुए ना, अब एक हो गए, साथ आ गए, दोनों साथ में दिख रहे थे, तो लोग तो यही जान रहे हैं कि दोनों में प्यार है। और आज आप हमारा आपका रिश्ता अच्छा है, भाई बहन का रिश्ता अच्छा है, कल कहीं ना कहीं हम दोनों में मोन मोटाव हो जाएगी, तो अब क्या कहेंगे कि देखे हम कहे तो ना कि दोनों का रिश्ता बना नहीं है, बिगड़ गया नहीं,
दो बर्तन एक जगह जब रहेगा तो खटपट खटपट होगी। तो फिर बबीता मिश्रा ने ऐसा कैसा, बबीता मिश्रा से एक शिकायत है, मुझे शिकायत है, आज दोनों बड़े अच्छे से रह रहे हैं, क्यों आप सिस्टर कहती हैं ना, बड़ी बहन कहती हैं, क्यों आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? बबीता जी क्या हो गया आपको? दोनों अच्छे से रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा? एक पति के लिए रात दिन घूम करके वो वोट मांग रही है, इसमें आपको कहीं प्रेम नहीं दिख रहा है? आप मंगलसूत्र देख रही हैं? आप पूरा धूप में 45 डिग्री 47 डिग्री में वो रात दिन घूम के अपने पति के लिए वोट मांग रही है, ये प्रेम नहीं दिखता है? चूड़ी नहीं पहने, इसमें हाथ में हम पहने इसमें नहीं, तो हमें अपने पति से प्रेम नहीं है? क्या देखती हैं आप? दूसरी ये वही लेडी है ना जो बोलती थी कि मांग में सिंदूर नहीं लगाते हैं इसलिए कि माइग्रेन होता है, अभी लगा रही है ना, वो माइग्रेन का दर्द नहीं हो रहा है ना, जो बोल रही है, गलत बात है। दूसरी बात, अगर आपको मुद्दे पे बात करना नहीं आता है तो मुद्दा को आप टर्न करते हो। अभी वो कोई कोई मीडिया में बोल रही थी कि हमारे बारे में बोल रही थी कि 5,000 रुपया पे तिहारी पे गई है, जो भी समथिंग वगैरह वगैरह, जो हमें जानते हैं व्यक्तिगत, हम पप्पू यादव में भी गए थे, पप्पू यादव जीते हैं, आप समझ रहे हैं ना, हम IPS आनंद मिश्रा जी में भी गए, हम पवन सिंह जी में गए, हम हर जगह जाते हैं। अगर कोई भी एक लोग हमें कह दे कि प्रियंका जी हमारा 1 रुपया लेना, तो बबीता मिश्रा का हम जाके गुलामी खटने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कहें, उसके पास तरीका, उनके बात को कटाच क्यों करते हैं? एक बात मैं बोली हूँ प्रियंका, आपकी जो इज्जत है ना, जो आप कर रही हैं, जिनके लिए कर रही हैं वो आपको बखूबी इज्जत देते हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, वो उन लोगों को टारगेट लेती हैं जो जिनका TRP काफी अच्छा होता है, और वो कई लोग पब्लिक के बीच में जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पे TRP बना रही है मेरे बारे में। यस, वो क्या करती है, उन पे कटाक्ष करती है ताकि उन प्रियंका के नाम से बबीता जाने जाए, ये मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, गलत है ये। अच्छा, ऐसा क्यों करती है प्रियंका जी? ऐसा आखिर TRP भी लेती है, TRP ऑल अबाउट TRP। अच्छा, अगर ज्योति सिंह की आपकी इतनी फिकर थी तो आप नॉमिनेशन से पहले बहन को क्यों नहीं समझाए, बहन तुम मत जाना नॉमिनेशन में, तुम रुक जरा, तुमको पवन सिंह यूज करेगा। आप वोटिंग से मात्र मतलब 4 दिन पहले आकर के आप बाइट दे रही है, बोल रही है, तो ये गलत कर रही है ना। अगर दोनों में कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा करने दीजिए, और पर जब हम आकर के लाइव आकर के बातों को रखते हैं कि गलत तरीके से चीजें मत किया कीजिए, आप अगर माइक उठाएं तो आपका काम है चीजों को साफ तरीके से रखने का। अगर हम प्रीता है तो हम आपके पास चल के आएंगे, जब हमें मजबूरी होगी तब आएंगे कि आप सीधा माइक उठा के कुछ भी बोल देंगे। ज्योति सिंह आपको बोली थी कि आप मेरे बारे में बोलिए, अभी नहीं ना बोली थी, तो आप किस आधार पे आकर के बोल दिए? और रहा सवाल प्रियंका का 5,000 का, तो मैं खुल के कहती हूँ कि मैं घमंड नहीं करती हूँ, बोली गरीब परिवार की है, मैं गर्व करती हूँ कि मैं गरीब परिवार की ऐसी बेटी हूँ जो पर डे मैं समाज के लिए कुछ डोनेट करती हूँ, मैं पर डे समाज के लिए समर्पित रहती हूँ, मैं ऐसी गरीब बेटी हूँ जिसका 4-4 भाई है और 4-4 भाई में से 2 भाई फॉरन में है, मैं ऐसी गरीब बेटी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ मी खुद के लिए। देखिए, इतना नहीं किसी को दुख देना चाहिए, मैं दुख इसके लिए नहीं कह रही हूँ। आप कहती हैं हम दोनों का मतलब बांधे, दोनों को एक किए, तो ऐसा वक्तव्य देख के तोड़ती क्यों हैं? ये तो पब्लिक देख रही है कि उनके लिए आप वक्तव्य दे रही हैं कि भाई ऐसा तुम्हें यूज किया जा रहा है, जो प्रेम से अपने पति के प्रेम में पब्लिक से वोट मांग रही है उसको आप तोड़ने का काम कर रही हैं, किससे छुपाइएगा? पब्लिक देख रही है ना, आपने बाइट डाला है, सुनिए तो आप पब्लिक देख रही है। जब आप अपने जब हम लाइव आए थे तो हम लोग खुद बहुत सारे मीडिया लोगों ने हमें कहा कि मैडम आप बाइट दीजिए, वो जो अभी बोली है बबीता मिश्रा जी जो बोली है देशवा न्यूज वाली, आप उस पर बोलिए। हमें फोन गया, अब नाम मैं ओपन नहीं करूंगी, कि प्लीज बहन रुक जाओ, प्लीज बहन रुक जाओ, मत करो। उनको पता चल गया कि हम भी आने वाले हैं पूरे मीडिया में। हम बोले भैया मैं आपका इज्जत करती हूँ, ठीक है, मुझे जितना कहना था मैं अपने लाइव में कह दी, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है नहीं बोलूंगी, मैं चुप हो गई। लेकिन उसके बाद इसने क्या बोलते हैं उसको, एक नहीं होते अनपढ़ तरीके से बातों को रखना, मुझे किसी ने बोला कि आप पे ना थोड़ा वो कीचड़ भी उछालेगी, तो हमको बहुत हंसी आया कि जिसकी जो लेवल होती है ना नेपल जो लेवल होती है ना लेवल पता चल जाता है आपके वो कहावत से, ठीक है, तो वो उसी लेवल की है, तो क्या करिएगा, जो अच्छे अच्छे लोग पे हैं वो कीचड़ ही ना उछालेगी, एक के कीचड़ उछालने से क्या होता है, कुछ ना होने वाला है, हमें दुनिया जानती है, और सीने थोक के मीडिया में बोलते हैं और सब जगह बात रखते हैं। अब वो खुद की जिसकी आइडेंटिटी नहीं है दूसरे के बारे में क्या पहचान बताएगी, खुद की पहले पहचान बता दे।
चलिए तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में, पवन सिंह को लेकर के क्या कहिएगा जो कि हार गए पवन सिंह काराकाट से। काफी उम्मीद थी कि पवन सिंह जीतेंगे, काफी भोजपुरी के जितने कलाकार था सभी उतर गए थे। आखिर कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, अगर कुछ जानते हैं समझते हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।